हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आईदक्ष। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्पल का इवेंट जो कि 2021 का एप्पल का सबसे फर्स्ट इवेंट था। ये जो एक घंटे का इवेंट था इसको मैं शॉर्ट में आपके सामने बताऊंगा कि इस इवेंट में क्या क्या नए फीचर्स और क्या क्या नए प्रोडक्ट्स हम लोग को मिले हैं, और इसकी डिटेल वीडियो आपको आने वाले है और वीडियोस में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एप्पल की तरफ से देखने को मिला था एप्पल कार्ड फैमिली। एप्पल कार्ड एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, शॉपिंग वॉपिंग करते तो उसमें आपको कैशबैक मिलते हैं, तो उसका हम लोग को एक अपग्रेडेड वर्जन या कि एक तरीके से और नए फीचर्स के साथ हम लोग को एप्पल कार्ड प्लस देखने को मिला है। उसके बाद हमें मिला है एप्पल पॉडकास्ट प्लस, जिसमें हम लोग को नई एप्पल पॉडकास्ट की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें बहुत अच्छी नई पॉडकास्ट सुन सकते हो गाइज। और इस बार हम लोग को एप्पल के इवेंट में, एप्पल के अप्रैल के इवेंट में एक नया आईफोन का कलर भी देखने को मिला। मतलब एप्पल ने पहली बार किया है उसके कोई इवेंट में एक नया आईफोन, मतलब सेम ही आईफोन लाया पर उसका कलर अलग लाया। एक पर्पल कलर का हम लोग को आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 देखने को मिला है। अभी स्प्रिंग का कलर है, स्प्रिंग लोडेड, जैसे कि हमें पहले इनवाइट्स में हिंट मिल चुके थे कि कुछ तो स्प्रिंग के रिलेटेड कुछ तो चीज आएगी, तो हमें यहाँ एक नया आईफोन का कलर और एकदम वाइब्रेंट कलर हम लोग को इस बार एप्पल की तरफ से आईफोन 12 सीरीज। उसके बाद लॉन्च हुए थे एप्पल के एयर टैग्स। एप्पल के एयर टैग्स छोटे छोटे एप्पल के ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं जिससे आप उनके कोई भी सामान पे आपके लगा सकते हो। अगर आप बार बार वो चीजें गुम जाती है, फॉर एग्जांपल कीज या बैकपैक या कोई भी सामान हो गया, आप उन पे वो एयर टैग लगा सकते हो। और इनके साथ आपको इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है आपके आईफोन की जो फाइंड माय एप्लीकेशन है उसके साथ आप इन्हें कहीं भी ट्रैक कर सकते हो, तो इससे आप अपनी कोई भी चीजें नहीं गुमा पाओगे। और फिर उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वो था एप्पल टीवी प्लस। एप्पल टीवी प्लस में हम लोग को जो 4K वाला एप्पल टीवी था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिला, जहां उसकी क्लैरिटी वगैरह, और इस बार हम लोग को कम्प्लीटली रीडिजाइंड एक एप्पल टीवी रिमोट मिला है। इसमें हम लोग को काफी अच्छे नए फीचर्स मिले हैं, आने वाले टाइम में इसका डिटेल वीडियो भी मैं दूंगा। और साथ ही साथ हम लोग को इस बार एप्पल टीवी में एक A12 चिप देखने को मिली है। उसके बाद गाइज लॉन्च हुई थी एक ऐसी चीज जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार था, यानी कि 15 साल से हम इस चीज़ को मतलब और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के लिए या डिज़ाइन में चेंज होने के लिए वेट कर रहे थे। अब फाइनली ये चीज़ एकदम रीडिज़ाइन हो चुकी है। नई आईमैक्स कम्प्लीटली रीडिज़ाइन आपको देखने को मिले हैं, एकदम मिनिमलिस्टिक शेप में, और 7 कलर्स में हम लोग को इस बार आईमैक देखने को मिला है। पहले सिर्फ आईमैक एक ही कलर में आता था जो कि था सिल्वर कलर, लेकिन इस बार हम लोग को आईमैक के अलग अलग 7 कलर्स देखने को मिले हैं। बस एक इसमें छोटी सी चीज़ है, हम लोग को इस बार कोई भी स्पेस के कलर देखने को नहीं मिला है जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर है लोगों का। इसका हम लोग को डिस्प्ले कम्प्लीटली रीडिजाइन मिला है, इसका हम लोग को परफॉर्मेंस कम्प्लीटली रीडिजाइन मिले क्योंकि इसमें एप्पल की नई M1 सबसे फास्टेस्ट चिप ऑफ द इंडस्ट्री यूज हुई है। तो गाइस इस बार का iMac हम लोग को नए नए 7 कलर्स में देखने को मिला है, और इसका जो डिस्प्ले है वो 4.5K डिस्प्ले है, और इसमें हम लोग को नया कूलिंग सिस्टम देखने को मिला है क्योंकि M1 ज्यादा हीटअप नहीं होता, इस वजह से इसके फैंस में हम लोग को छोटे देखने को मिले हैं। और पहले जो iMac आता था 21 इंच वाला, उससे इसका साइज बढ़ के हो चुका है 24 इंचेस। और हम लोग को इस बार इसके साथ तीन तीन नए कीबोर्ड भी देखने को मिले हैं, एक है नॉर्मल कीबोर्ड, एक है कीबोर्ड विद फिंगरप्रिंट आईडी। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी एप्पल ने पहली बार किसी प्रोडक्ट में यूज करी है जो कि बहुत अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ आपके फिंगरप्रिंट को एकदम सिक्योर रखता है। और इस बार हम लोग को जो उसके कीबोर्ड हैं उसमें भी आप जिस कलर का iMac लोगे उसी कलर का कीबोर्ड आपको इस iMac के साथ मिलेगा। सेम ये चीज है नए ट्रैकपैड के साथ और इसके माउस के साथ भी। और गाइज फिर उसके बाद लॉन्च हुआ था एप्पल का iPad Pro। एप्पल के iPad Pro में हम लोग को इसका जो चिप है, जो पहले एप्पल का बहुत पुराना चिप आता था A12X बायोनिक चिप, अब इसे बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल iPad Pro है क्योंकि इसमें इसके चिप में हम लोग को एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि एप्पल A12 से हम लोग को M1 चिप देखने को मिला। मतलब एक कंप्यूटर का चिप आप iPad में डालोगे और उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़ाओगे, उसके डिस्प्ले में अच्छे इंप्रूवमेंट्स करोगे, उसके कैमरा में अच्छे इंप्रूवमेंट्स करोगे, तो गाइज आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ये iPad कितना ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है और कितना ज़्यादा ये एक एक्चुअल iPad Pro है। पर हमें यहाँ iPad के दो मॉडल्स देखने को मिलते हैं, एक है 11 इंच और एक है 12.9 इंच, जो कि पहले भी सेम यही साइज में आते थे, लेकिन हमें इस बार iPad 12 इंच में एक मिनी LED डिस्प्ले देखने को मिला है जो कि काफी ज्यादा उसकी क्लैरिटी को बढ़ा देता है। और इस डिस्प्ले को एप्पल ने नाम दिया है लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले। गाइस बहुत अच्छा डिस्प्ले है, इसमें 10,000 मिनी LEDs का यूज हुआ है इस डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी के अंदर। तो गाइस ये था एप्पल का फर्स्ट 2021 का अप्रैल इवेंट, और इसमें जो प्रोडक्ट्स थे इनकी डिटेल वीडियो आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। Thank you.